YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। हुसैनाबाद जपला स्थित ए के सिंह कॉलेज के नौनियुक्त कर्मियों ने लंबित मानदेय भुगतान हेतु 72 घंटे का अल्टीमेटम विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया है। आज मेदिनीनगर के होटल स्वागत में सामाजिक कार्यकर्ता अख्तर अंसारी ने जारी अपने प्रेस बयान में कहा कि मानदेय भुगतान का मामला मुख्यमंत्री जन संवाद में भी पहुंचा है, जहां से 25 जुलाई 2018 को जारी आदेश में कहा गया है कि मामले पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए ए के सिंह कॉलेज में कार्यरत कर्मियों को मानदेय का भुगतान करने के उपरांत प्रतिवेदन समर्पित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह आदेश डिप्टी सेक्रेटरी एवं डायरेक्टर हायर एजुकेशन द्वारा दिया गया, जिसका हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि ऐसा वैसा चिट्ठी बहुत आता है। श्री अख्तर ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय से जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मानदेय नहीं रोका जाए। वहीं विगत 1.5 माह से हड़ताल पर डटे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों ने सवालों की झड़ी लगाते हुए पूछा कि वर्ष 2016 में की गई कर्मियों की नियुक्ति यदि गलत है तो एडहॉक कमेटी द्वारा इसे निरस्त क्यों नहीं किया गया और नए कर्मियों से काम क्यों लिया जा रहा है। कर्मियों ने आगे भी पूछा कि जब नियुक्ति की जांच विश्वविद्यालय प्रशासन कर रही है तो किसके आदेश पर एसडीओ ने वेतन रोक रखा है और यदि एसडीओ सर्वे सर्वा है तो विश्वविद्यालय ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी क्यों बनाई तथा भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षकों के साथ लिखित समझौता क्यों किया और कैसे हुआ। कर्मियों ने कहा कि यह मामला 9000 विद्यार्थियों से जुड़ा मामला है और आगामी 72 घंटे के अंदर मानदेय भुगतान नहीं किया गया तो कॉलेज में ताला जड़ दिया जाएगा तथा इसके जिम्मेवार हुसैनाबाद एसडीओ व कॉलेज प्रचार ही होंगे। नियुक्ति हुई और उसी नियुक्ति के आधार पर लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला और ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद सब अपना अपना ड्यूटी में लगे रहे, वेतन लोगों को नियमित मिलते रहा और जो ही वेतन सबको मिलने के बाद बीच में चुनाव आई शिवपूजन जी कुशवाहा शिवपूजन विधायक बने तो इन्होंने इनका कोई निजी कोई स्वार्थ नहीं सज पाया होगा जिसके चलते ये जो है चिट्ठी लिख दी यूनिवर्सिटी को कि कुछ लोगों की बहाली अवैध है। तो जब एक ही लेटर नंबर से यूनिवर्सिटी के भेजे गए एक्सपर्ट के आधार पर सभी सब्जेक्ट की अलग अलग बहाली हुई तो अगर अवैध है तो सब अवैध है तो सब वैध है। तो कुछ कोई का किए कि अभी तक वेतन में लागू रखे और जिनको वेतन नहीं दे रहे हैं उनसे ड्यूटी ले रहे हैं लेकिन वेतन नहीं दे रहे हैं, इसकी सूचना अधिकार के तहत हमने उनसे मांगा। अब उनकी इल्म की कमी रही या जानकारी के अभाव में वो हमको जवाब देते हैं कि आप किस कॉलेज के सदस्य नहीं हैं इसलिए सूचना देना उचित नहीं होगा। यूनिवर्सिटी जवाब देखो हमको दी, यूनिवर्सिटी कह रही है कि नहीं इनको मांगना उचित है, इनका सूचना अधिकार के तहत आरटीआई संविधान के तहत इनको सूचना मिलना चाहिए जो आज तक नहीं मिल पाया हमको, जिसका दीजिएगा प्रिंट नहीं, जिसमें यूनिवर्सिटी कह रही है कि मिलना चाहिए और कॉलेज के प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि आप इसके सदस्य नहीं है इसलिए आपको सूचना नहीं मिलना चाहिए। हमें मांग करना चाहते हैं कि जो लोग पर के एफआईआर हुई उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जो आज तक नहीं हो सका, प्लस अगर वो निर्दोष है तो किस एक्सपर्ट के द्वारा जांच करके उनको निर्दोष निकाल सबूत किया गया, हम ये भी जानकारी चाहते हैं। तीसरी बात, बर्खास्त उनकी सस्पेंशन जब हुई है संबंध सक्षम पदाधिकारी के द्वारा उन टीचरों पर कार्रवाई प्राथमिकी के बाद उनकी सस्पेंशन हुई तो सस्पेंशन होने के बाद भी उनसे ड्यूटी लिया जा रहा है उसी कॉलेज में और आज भी लेने देने का सिलसिला प्रारंभ है। अगर आप चाहें तो लेन देन का भी इस बातें सबूत किया जा सकता है वीडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, या जो कैच किया गया है उनकी आवाज जो बच्चों के सामने लेन देन थे शराब पीते सारा कुछ उपलब्ध कराया जा सकता है। डिग्री कॉलेज एक पीस है वहाँ 9000 छात्र छात्राएं अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे प्रशासन हो या कॉलेज प्रशासन हो इन लोगों को लापरवाही के चलते हमारे बच्चे लोग को भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर हम लोग कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो 8 दिन के अंदर में तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, हजारों की संख्या में उतर के हम लोग प्रशासन के खिलाफ में हम लोग उतरेंगे सड़क पर, इसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे।
कर्मचारी का बहाली हुआ, एक ही बहाली एक ही नियुक्ति पत्र पर आधा को पेमेंट दिया जा रहा है, इनका भी 14 महीना पेमेंट दिया गया है। इसके बाद पॉलिटिक्स कहिए या राजनीति कहिए, इसी ब्यौरा से इन लोग का बंद कर दिया गया आधा को। अब हम लोग का मुद्दा इसी का है कि जब कर्मचारी अपने आप में असंतुष्ट रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, इसी मुद्दे से हम लोग इस बात को उठा रहे हैं। और कोई खास बात नहीं है कि जब कर्मचारी ही नहीं रहेंगे तो बच्चा पढ़ेंगे कहाँ से, इसी कारण से हम लोग इस मुद्दा को उठा के काम आगे बढ़ने के लिए चले हैं। नहीं सुनेंगे, हम लोग तो यूनिवर्सिटी भी गए, बात किए कि ऐसा ऐसा बात है, तो इसका कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ, कहा कि इंक्वायरी हम लोग करेंगे, कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। इसी मुद्दे से लोग और कर्मचारी हैं से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, इसी बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं। अभी तक मैंने वहाँ का प्रिंसिपल जो है से अभी तक पूछे नहीं कि आप लोग क्यों बैठे हुए हैं। इस मुद्दा से हम लोग देखें तो उस मुद्दा को हम लोग अब कर्मचारी को सहायता देंगे, हम लोग उन लोग के पीछे, अब उन लोग अपने 50 हैं, 10 हैं, 60 हैं, हम लोग हजारों में अब देख रहे हैं एक हफ्ता के बाद।